युवा कबड्डी सीरीज का ये विंटर एडिशन। हम मौजूद पॉन्डिचेरी के रैप्टर्स, जो कि योगेश साहब के चलन में चलती हुई नजर आती है, वो जीत पापा पेरियार पैंथर्स के पास, क्योंकि बहुत ही अच्छा मुकाबला आप सभी के समक्ष आ रहा है। पेरिस इज विजडम ऑफ द पेरियार पैंथर्स। देखते हैं कि अब क्या, किस तरह से कौन सी टीम जो है वो धावा बोल पाएगी। इज माय ट्रिप YKS विंटर एडिशन 2023 मैच नंबर 90 में हमारे सभी दर्शकों का हम अभिनंदन करते हैं। अर्पित नागर पहली रेड लगाते हुए। पलनी टस्कर्स में आयुष में ज्यादा बदलाव नहीं नजर आया और चलिए इस बार राइट ट्रेडर के तौर पर अर्पित नागर हैं। और आते ही अगर आप टेक्निकल सक्सेस रेट की बात करें पेरियार पैंथर्स के विरुद्ध पलनी का और ओवरऑल एडिशन रेट पे, एक आसान सा बोनस निकाला गया था शुभम के लिए पैक्ड हाउस है। कप्तान साहब पहली बार मुकाबले में रेड लगाने के लिए आए हैं, दबाव से ही लड़खड़ा गए थे, लेकिन लड़खड़ाहट से पहले क्या इन्होंने कॉर्नर का शिकार किया है। चेहरे की मुस्कुराहट तो कुछ यही कहानी बयां कर रही है और बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर को बाहर करके आए। ये मसाला इनके मसल्स पे जाके बिल्ड हो रहा है अर्शित, हो सकता है बिल्कुल आयुष। बट यहाँ पर आर्यन रावल को आज मौका मिला है यहाँ पर खेलने का और आर्यन जो है वो लगातार गलतियां कर रहे हैं। आज उन्हें शायद खिलाने का मौका दिया पेरियार पैंथर्स ने। बिल्कुल ज्यादा डीप ट्रेवल नहीं करते जब तक वहां पर तीन चार का हाउस ना हो, और अगर करते भी हैं तो ज्यादा वहां पर सेफ खेलना पसंद करते हैं और ये अच्छा भी है। आपको पता होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ कहां पर है। अब एम धनसेकर एक बार फिर से, ये अच्छे रेडर हैं और कवर्स इन पर अटैक करें तो टर्न्स भी इनकी तरफ से हमें देखने को मिलेगी। अच्छा टर्न करते हैं, अच्छा टर्न एंड टंबल करते हैं, पर एम धनसेकर फिर से क्या बोनस का प्रयास करेंगे, क्या शिव नागर उन्हें शिकार बना पाएंगे, क्या अभिषेक नागर को लेफ्ट कवर को शिकार बनाया। थोड़े से हाई लाइन आ गए थे अभिषेक नागर, एक बहुत अच्छे में तो आमतौर पर योगेश जी कुछ ना कुछ खलबली मचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक वो हर एक खिलाड़ी को स्पेसिफिकली समझाते हैं, पिछले मुकाबले में तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके की उनकी गाइडेंस आई थी, बाकी अन्यथा वो बस जनरल कोचिंग देके अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हुए नजर आते हैं। ये तो छुई मुई का फूल है पेरियार पैंथर्स का डिफेंस, टच मी नॉट, टच करते ही पूरा का पूरा डिफेंस टूट पड़ा। इनका इनिशिएशन था, कॉर्नर में शिव का भी सपोर्ट आया, क्या शुभम भिदूरी इनकी पोजीशन पे थे, धनशेखर बाहर गए ये हमने देखा ना रचित, ओहो इतिहास रचने में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डिफेंस में भी, बहुत ही बेहतरीन अटैक वहां पर किया था। आते ही बोनस चुराने का प्रयास शुभम भिदूरी, बिल्कुल बीच में चले गए थे वहां पर, बोनस प्लस 2 points मोहन गौड़ा साहब वहां पर। बहुत सारे दिनों बाद हमें एज ए यूट्यूब नजर आ रहे हैं और बहुत ही कमाल यूट्यूब है, बट अच्छी वहां पर पहले बोनस के लिए ट्राई किया, बड़ी तेजी के साथ अंदर गए और ज्यादा समय नहीं लिया और उसके बाद 2 touch points। इज माय ट्रिप कबड्डी डू ऑर डाई आ चुकी है, एंजॉय कीजिए अर्शित। और बिल्कुल ये पेरियार पैंथर्स की गलत रणनीति की, आप इतने सारे बोनस पॉइंट्स अगर पलनी टस्कर्स को दे देंगे तो पलनी अपनी टू ऑर डाई रेट जो है वो आगे की तरफ बढ़ा देगा और उसके बाद जब आपकी टू ऑर डाई रेट आएगी तब आपको धरेंगे और तब पहुंचेंगे। पिछली बार शुभम भिदूरी बोनस प्लस 2 touch points लेकर आए थे, बट यहाँ पर शुभम भिदूरी समझ नहीं पाए, वो रिएक्ट नहीं कर पाए कि किस तरफ वहां पर जाएं। ये देखिए यहाँ पर किक लगाने का प्रयास किया उन्होंने, आते हुए राइट टर्न करना था, एक राइट ट्रेडर को हमेशा कोशिश चाहिए। एक और टू ऑर डाई रेट आई है, आशीष भाटी 7 का हाउस जरूर है, बोनस वहां पर ऑन होगा, क्या बोनस के लिए जाएंगे, क्या राइट कॉर्नर पर अटैक करेंगे या फिर शक्तिवेल को शिकार बनाने का प्रयास करेंगे। कॉर्नर्स और कवर्स वहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइन नहीं है तो शायद पलनी टस्कर्स का डिफेंड न टूटे इस बार डू ऑर डाई रेट पर, बट आशीष भाटी कैजुअल हो गए थे, स्लाइड पॉज ले लिया था, क्या बिना टच के वहां पर लॉबी में चले गए थे या फिर टच के बाद गए तो बहुत बड़ा पॉज वहां पर ले लिया था, बहुत धीमे हो गए थे आयुष। डू और डाई की परिस्थिति में दबाव हमेशा रेडर के ऊपर रहता है, पोज पाते हैं तो आप डू और डाई रेट जो होती है वो आप नहीं ला पाते हैं। पलनी टस्कर्स की शुभम भिदूरी को भेजने के लिए कहा था वैसे आशीष भाटी को, 6 और 7 के हाउस में, बट आशीष भाटी खुद गए हैं और आशीष भाटी इस बार इनकी पोजीशन से बोनस और एक टच पॉइंट भी लेकर आए हैं। और योगेश नागर की वापसी का संकेत है पेरियार पैंथर्स के लिए, या फिर पलनी टस्कर्स की टीम इसी तरीके का डोमिनेशन दिखाएगी। हालांकि जो 4.25 मिनट का खेल खेला जाना बाकी है पहले हाफ में, उसमें पेरियार पैंथर्स की कोशिश ये रहेगी कि इस फासले को कम से कम 5-6 अंकों से और कम किया जाए और वो जो लीड पलनी टस्कर्स के पास है वो 5 से ज्यादा की ना रहे, क्योंकि आखिरी के 20 मिनट में वो 5 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ लगातार हरीश जो है वो अपील कर रहे हैं कि उनको पॉइंट दिया जाए, जो लिखा है वो किसी को पता नहीं चलता। परस्यूट दिखाने की कोशिश की गई है, आशीष भाटी मल्टी पॉइंटर रेड, कितने खिलाड़ी कम से कम 2 ये तो तय है। 22 जी हाँ बिल्कुल, शक्तिवेल थगवेलू और उनके साथ वहां पर एक और खिलाड़ी मौजूद थे, 2 अंक मिलते हुए 2 पॉइंटर रेड वहां पर मिलती हुई और शक्तिवेल थगवेलू और धनसेकर को वहां पर बाहर जाना पड़ा है। अच्छा कार्य किया इस बार देखिए आशीष भाटी रुके नहीं वहां पर, पिछली बार रुक गए थे बट ये बिल्कुल इस मैच को बड़ी कमाल मोमेंट हो सकता है। अच्छी टर्न लगाई उसके बाद एम धनस, अभिषेक नागर का ये पहला डिफेंसिव पॉइंट है अर्चित इस मुकाबले का, बिल्कुल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी भी कि पेरियार पैंथर्स के लिए वो योगेश गौरव बंसल साहब चलें। योगेश नागर साहब एक बार फिर से थोड़ा सा सोच विचार करते हुए, आशीष भाटी फिर से धरे गए,
दबोचे गए सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी में, बहुत ही बेहतरीन कार्य किया था। एक बार लग गया था कि निकल जाएंगे आशीष भाटी, बट दो पॉइंट सुपर टैकल के पलनी को मिलते हुए फिर से थोड़ी सी स्लोनेस आई, टच करने के बाद समझ नहीं पाए और पलनी टस्कर्स बिल्कुल दोनों थाईज पर। यहाँ देखते हैं, यहाँ टच आया और उसके बाद कंफ्यूज हो गए और 12 नंबर जर्सी गए और ये लगाया इज माय ट्रिप कबड्डी कमाल मोमेंट जी शिवा शक्ति ने। हरीश को देखिए, वो फिर भी एफर्ट दिखा रहे थे, अपने साथी को धकेलते जा रहे थे, जो जद्दोजहद उन्होंने दिखाई थी। औपचारिक तौर पे पहले हाफ की ये आखिरी रेड है क्योंकि हरीश रगाने के लिए गए। पिछली बार डिफेंस में इन्होंने भी अपना योगदान दिया, किस तरीके से दिया वो तो शायद आपने पिछले रिप्ले में देखा होगा, लेकिन हाफ की समाप्ति हो चुकी है और हाफ की किसी समाप्ति के बढ़ने की मुकाबले को बराबरी पे लाने की और उसके बाद ये जी नहीं, क्योंकि डू और डाई है, इसलिए अब एम्प्टी रेड अप आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पर पेरियार पैंथर्स के भी वहां पर डू और डाई रेड आएगी अगली। यहाँ आशीष भाटी का रिवाइवल हो जाएगा अगर यहाँ पर पॉइंट मिलेगा डिफेंस को, बट के हरीश इतना आसान पॉइंट देंगे नहीं। चेन आई, डुबकी आई, के हरीश के नाम उनका सुपर टेन आया, वंडरफुल डुबकी, कंप्लीट फैंटास्टिक एग्जीक्यूशन। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत वहां पर प्रदर्शन। इज माय ट्रिप कबड्डी कमाल मोमेंट में चले गए। बहरहाल जो भी है, पेरियार पैंथर्स रिव्यू गंवा चुका है, बचे हुए 16.5 मिनट के खेल में आपके पास रेफरल नहीं है, वहीं पलनी टस्कर्स रेफरल भी है, लीड भी है 14 अंकों की है, 2 का पहाड़ा पड़ा रही है पलनी टस्कर्स पेरियार पैंथर्स को। यहाँ पर जरूर एक अंक मिलता वहां पर बिल्कुल प्रसन्न हुए और उन्हें बताया कि चलिए ये तो मैं हूं, बट यहाँ पर अब आशीष भाटी क्या सिद्ध कर पाएंगे, अपनी टीम को बचा पाएंगे और बतला पाएंगे कि मैं हूं तो फिर किस बात की फिक्र है। हकीकत कातिल की आपने याद दिला दी, जावेद जाफरी की आपने याद दिला दी। बहरहाल असली मजाक ऐसे ही चलना चाहिए, लेकिन ये नहीं चलेगा। कॉर्नर की पोजीशन से सोलो टैकल, बोनस लाइन, बॉक लाइन खेल करते हुए, क्योंकि अब पलनी को पता है कि पॉइंट्स की आवश्यकता पेरियार पैंथर्स को है, और सिर्फ पॉइंट्स नहीं बल्कि बंच ऑफ पॉइंट्स की आवश्यकता है, तो पलनी टस्कर्स तो अपना नेचुरल गेम खेलेगी और सिर्फ मैच को चलाएगी, अपने डिफेंस को थोड़ा पीछा रखने की कोशिश करेगी। आशीष बहुत ज्यादा अंदर चले गए। आपने इन्विटेशन दिया स्वयं उनके घर पर जाकर और कहा कि सब परिवार आइएगा और मुझे पकड़ लीजिएगा। आशीष भाटी टू टच की कोशिश, उसके बाद पूरे डिफेंस का टूट जाना, चीज को समझना बेहद जरूरी है। जब ये 3 या 4 का हाउस हो तो चले, फिर भी आपके लिए इन्वर्ट टर्न काम कर सकती है। शिव नागर, या तो प्रयास कीजिए तो पूरे फुल हार्टेड कीजिए, या प्रयास मत कीजिए। तो आप जिस तरीके से बयां करते हैं वो अद्भुत है, लेकिन धनुष शेखरा इस खिलाड़ी के एम्प्टी रेट से कितना फर्क पड़ेगा इस मुकाबले पे। आशीष भाटी एम्प्टी रेट अफोर्ड नहीं कर सकते, पलनी टस्कर्स डू और डाई पे खेलने को तैयार होगी, बल्कि खुश होके वो ऐसे मौके लेगी, 2 एम्प्टी रेट लगाएगी, 3री के ऊपर डू और डाई में फंसने के लिए भी तैयार हो जाएगी। लेकिन हर्ष, आशीष भाटी ने टर्न ट्विस्ट दिखाया जरूर था, पर तब तक ये ताकत की आजमाइश में पलनी टस्कर्स की मसल्स के सामने आशीष भाटी चकनाचूर। व्हाट अ कॉम्बिनेशन टैकल, क्या माउलस यहाँ पर टैकल किया आशीष भाटी। इसमें आप नाराज मत होइए क्योंकि आपने वो अपनी हर स्किल का यूज किया, यहाँ टर्न किया और उसके बाद तेजी के साथ अपने आप को निकालने का प्रयास किया, पर जो कार्य वहां पर किया पलनी टस्कर्स, और 17 अंकों की लीड है। हालांकि कबड्डी का खेल है, पेरियार पैंथर्स को कम मत आंकिएगा, बट हम पेरियार पैंथर्स को कम नहीं आंक रहे, पलनी टस्कर्स की जो सुप्रीमेसी रहती है वो कुछ इस प्रकार की है। एक बार फिर से टच किया और आशीष भाटी कहते हुए कि अगर वो सुप्रीमेसी उनकी है तो हम भी किसी किंग से। फिर से आशीष भाटी, एक बार पहले भी हो चुका है पलनी टस्कर्स की तरफ से सुपर टैकल, उस समय भी शायद आशीष भाटी को हुआ था। आयुष, आशीष भाटी सुपर टैकल की पोजीशन में ही थे और यहाँ पे भी वही है, 3 का डिफेंस है, इस बार फ्रंटल ब्लॉक में, इस बार डैश आया है और पूरी तरीके से सफलता पाई है शिव शक्ति ने। 5वां डिफेंसिव पॉइंट और उसी के चलते अपना हाई फाई कंप्लीट किया पलनी टस्कर्स। ये टीम इतनी आसानी से ऑल आउट नहीं होती, रिवाइवल भी लिया, लिए सुपर टैकल के 2 पॉइंट भी। इज माय ट्रिप कबड्डी कमाल मोमेंट। यहाँ देखिए आशीष भाटी बहुत समय तक एक ही पोजीशन में, मगर अब कहानी ये है कि ये सिर्फ औपचारिकताओं का मुकाबला बन चुका है, कितने अंकों की जीत ये अब पलनी टस्कर्स को डिसाइड करना पड़ेगा। शिव शक्ति हाई फाई कंप्लीट हुआ है, 6 पॉइंट निकाले हैं, इस बार सपोर्ट में आए क्योंकि इनिशिएशन इनके साथी का था जिनको आज ज्यादा पॉइंट मिले नहीं है। शक्ति वेलन को डिफेंस में 1 पॉइंट और तीसरा सुपर टैकल यहाँ पर आता पलनी टस्कर्स के। ये देखिए
जैसे ही शबर राइट कॉर्नर पर है, इसलिए रचित आपके पास एजिलिटी बहुत अच्छी है, आप 6-7-5 के हाउस में बहुत अच्छे रेडर हैं, बट जब 3 या 2 का हाउस होगा तो आपको वहां पर और एजिलिटी दर्शानी पड़ेगी, कॉर्नर टू कॉर्नर ट्रेवल करना होगा और आपको डिफेंडर को वहां पर ललचाना होगा। यहां पर एक और बार फ्रंटल ब्लॉक, गौरव बंसल को भी क्यों आपने शुरुआती साथ में नहीं रखा, योगेश नागर साहब आशीष पार्टी का तो फिर भी समझ में आता है, बट गौरव बंसल जैसा टैलेंटेड डिफेंडर आपके पास होना ही चाहिए शुरुआती साथ में। मुझे तो देखिए हर्षित, आशीष भाटी का भी नहीं समझ में आता है, उनको भी शुरुआती साथ में जगह मिलनी चाहिए थी। क्या आपने वो जो नागर साहब को बुलाने का फैसला लिया वो बैक करता थी तो पावर से बीट किया शक्तिवेल थंगवेलु ने, और अभिषेक नागर इस बार कहते हुए चलिए पॉइंट ले जाइए। और कर्नल साहब खुश है, उन्हें पता है कि बहुत ज्यादा मशक्कत हमें नहीं करनी पड़ी। पेरियार पैंथर्स बुरी तरह से वहां पर निस्ताना बूत किया है और इस बार तो बहुत इजी पॉइंट वहां पर दिया। कंधे पे चीजें अच्छी नहीं होती है। पल्ली टस्कर्स 46-25 के ऊपर पैवे पैंथर्स, मुकाबले की आखिरी रेड हरी को भेजा गया है। हरी अपनी टीम के डिफेंडर हैं, इससे पहले भी जब पल्ली टस्कर्स की रेड आई थी तो उन्होंने अपने डिफेंस को ही इस्तेमाल करते हुए वो रेड लगाने के लिए रजित को कह दिया था। रजित के पास ऑलरेडी वो ग्रीन कार्ड है, ग्रीन कार्ड के नियम उनकी चर्चा की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, डिफेंडर को धारा स्ट्राइक करा है पैवे पैंथर्स ने। बिल्कुल आयुष, और यहाँ पर जिस प्रकार से कर्नल साहब हंसे, अंकित भाटी हंसे, क्योंकि उन्हें पता है कि चलिए ये जोश, ये उत्साह, ये वहां पर उत्कृष्टता और ये उत्तेजना पेरियार पैंथर्स अगर